Bismillahirrahmanirrahim Welcome to International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal Campus online lectures Dear students this is the first lecture of history for grade 6 and in this lecture we are going to begin unit number 5 and the name of this unit is socio cultural developments 17 711 till 1526 AD do you know what does ए डी मीन है इट स्टैंड फॉर एनओ डोमिनी योर टीचर हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन यू वर्ड इज़ एन डोमिनी इन योर क्लास सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सोशियो कल्चर डिवेलपमेंट सोशियो कल्चर डिवेलपमेंट्स क्या होती हैं कि किसी सोसाइटी में किसी तहजीब किसी कल्चर uh, uh, की कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है फॉर एक्जाम्पल कोई एक सोसाइटी थी जो पहले से फाउंड थी फिर कुछ लोग उसमें मज़ीद शामिल हुए उससे क्या हुआ वो जो न्यू लोग आए उनका कोई और कल्चर था उन लोगों ने आके उस पहले से मौजूदा कल्चर में चेंजेस कर दी उन लोगों का उस पर इन्फ्लुएंस हुआ तो वो जो मौजूदा कल्चर था उसमें कुछ चेंजेस आ गई अब वो जो वहाँ पहले से लोग रह रहे थे उन्होंने नए आने वाले लोगों में पे अपने कल्चर का इन्फ्लुएंस डाला और वो दोनों मिल एक नया कल्चर बन गया और इसी तरह ये वाला सिलसिला चलता रहता है इस लेक्चर में हम इस चैप्टर में हम जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे किन टाइम्स में सेवन इलेवेन् से लेके फिफ्टीन टवेंटी सिक्स ए डी तक का जो टाइम था उसमें सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट्स किस तरह से हुई क्या क्या चेंजेस आईं और कौन कौन सी जो कल्चर्स और सिविलाइजेशंस थी उनका आपस में मिक्सचर बना हम ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं सो आई होप यू understood that this is going to be very interesting for you people and for me also so this is the lecture number one from this unit uh, unit number five social cultural developments and before we begin uh, the reading and explanation make sure that you have your history book your notebook and your stationery with you listen to the teacher attentively and whenever i ask you to write down something write it down immediately and when you need to write down anything just pause the video and write the things and when you have written uh, just replay the video and continue your lecture and suppose if you find anything difficult and anything that you don't understand as these are the recorded lectures show, so you easily can rewind the video and listen to the things again and again as many times as you can uh, then you will surely understand what your teacher tries to explain you सो so, uh, उसके अलावा जब आपने आपको अगर फिर भी किसी चीज़ की समझना है और आपने फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन करना हो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना फ़ोन उठाएं और व्हाट्सएप के थ्रू एक वॉइस नोट टीचर को सेंड कर दें अपने उस क्वेश्चन के साथ और उस वॉइस नोट में आपका नेम सब्जेक्ट और ग्रेड क्लियरली मैंशन होना चाहिए और ये भी कि आप किस टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं सो यू विल गेट इमिजिएट रिस्पॉन्स इन बुक पेज नंबर सिक्सटी फाइव प्लीज़ ओपन कर लें अपनी हिस्ट्री बुक पेज नंबर सिक्सटी फाइव वेयर दिस वेयर दिस चैप्टर बिगेन्स और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटीफाई द मेजर सूफ़ी ऑर्डर सेंट्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो सूफीज़म के बारे में है सूफीज़ के बारे में है और उनके ऑर्डर के बारे में है कि सेंट्स सब कॉन्टिनेंट में किस किस सीक्वेंस में आए उनकी जो दुनियाए इस्लाम के ऊपर इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन थी और उन्होंने इस्लाम को स्प्रेड करने में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशनस की और आप इनकी इन डिफरेंट सीरीज़ की डिफरेंट फेजेस की इनके डिफरेंट आप टीचिंग्स पढ़ेंगे आप देखेंगे कि इन इन जो टाइम्स थे उनमें या इन इन ऑर्डर्स uh, के अंडर जो टाइम्स थे उनमें क्या क्या चेंजेस आई और उन्होंने किस किस टॉपिक पे Uh, किस किस पहलू पे एम्फेसाइज uh, किया उसके बाद आप पढ़ेंगे अली बिन उस्मान अल हजवेरी राम मोरुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमत बाबा कलंदर एंड निज़ामुद्दीन अलिया के बारे में पढ़ेंगे फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे बेंच मार्क्स इन द इवोल्यूशन एवोल्यूशन ऑफ इंडो मुस्लिम कल्चर विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द आर्ट्स इन साइंस एंड द आर्किटेक्चर फिर आप इट विल बी डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ़ दहली सुल्तान इन द प्रमोशन ऑफ़ एजुकेशन हम सिर्फ इसमें कल्चर और रिलीजस uh, लेवल पे नहीं पढ़ेंगे हम इसमें यह भी देखेंगे कि किस किस रूलर uh, ने यहाँ पे एजुकेशन में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन की देन वी विल क्रिटिकली द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स

कि सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे इस्लाम कब आया जो इस्लामिक कल्चर uh, और इस्लामिक रूलर्स कब स्टार्ट हुए डू यू रिमेम्बर यस मोहम्मद बिन कासिम ब्रॉट इस्लाम इन दिस रीजन और मोहम्मद बिन कासिम के आने से यहाँ पे इस्लाम जो था वो स्टार्ट हुआ था और इस्लामिक रूल का स्टार्ट हुआ था फिर उनके आ, उन्होंने यहाँ पे इस्लाम को फैलाया यहाँ पे इस्लामिक वो आ, जो आ, वो होते हैं एजुकेशनल अदारे कायम किए और इस्लाम को फैलाने में उन्होंने आ, काम किया और होते होते इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के दौर में आ, सब कॉन्टिनेंट में फैल गया ओके okay, अब उस टाइम में इस एरिया में जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है यहाँ पे कोई भी कभी अल्लाह का डायरेक्ट नहीं आया सो so, इस एरिया में जो रिलिजन था उसको स्प्रेड करने में कुछ टीचर्स का बहुत हाथ था कुछ बुज़ुर्गान दीन थे जिन्होंने जो कि जिन्होंने दीन को सीखा और फिर उन्होंने आगे फैलाया वो जो टीचर्स थे उनको सूफी कहा जाता है ये वो लोग थे जो पॉलिटिक्स से भी दूर रहते थे ये वो लोग थे जिन्होंने जो कि रूलर्स भी नहीं थे बट दे जस्ट टीचर्स और वो इस जो दीन इस्लाम है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन उसके सिखाते थे उनको हम कहते हैं सूफ़ी और उनके जो उनके जो टीचिंग का मेथड था और उन, उसको हम कहते हैं सूफिज्म और इसके इफ़ेक्ट्स क्या थे इस पूरे एरिया में हम उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि सोफ़िम स्टार्ट कहाँ से हुई सोफ़िज़म के कौन कौन से ऑर्डर्स थे और फिर हम उनके Uh, उसके बाद इफेक्ट्स पड़ेंगे द सोफिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टेंथ सेंचुरी ए डी इन द सब कॉन्टिनेंट सेंट्स एंड ऑब्सिटस इन्वाइटेड द नॉन मुस्लिम्स टू एक्सेप्ट इस्लाम एंड फॉरवर्ड देम टू इंडल्स इन रेसिज्म सबसे पहले जब सोफिजम स्टार्ट हुआ था तो इनका सबसे जो मेन uh, फोकस होता था वो था सोशल um, वैल्यूज़ पे और जस्टिस uh, पे और यूनिटी पे उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ऑर्डर्स आए उन्होंने फिर जो इस्लामिक मेन टीचिंग्स थी उनके ऊपर इंतज़ार किया क्योंकि ऐसा ही होता है जब इस जब इस इस प्रोसीजर का आगाज हुआ तो उसमें सबसे पहले अगर स्टार्ट से ही यही चीज़ें इम्पोज़ कर दी जाती हैं कि दिन इस्लाम की ये ये ये, ये इनकी जो हैं ऑब्लिगेशंस हैं और ये ये फ़रज़ हैं तो उससे ये था कि बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे तो सबसे पहले आगाज जो किया गया जो स्टार्ट हुआ वो यहाँ से हुआ कि सोशल ईवल्स को पहले ख़त्म किया जाए सोशली जो टीचिंग्स हैं वो फैलाई जाएँ ताकि लोग उससे इम्प्रेस हों और जब लोग उनसे इम्प्रेस होते थे तो फिर वो इस्लाम की तरफ आते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ले जाया गया जो दिन इस्लाम की प्रैक्टिकल थिंग्स थी उनकी तरफ तो फर्स्ट uh, इनका जो एम्फसाइज uh, था वो किस पे था वो रेसिज्म uh, को इंडल्ज किया और एक्सेप्ट uh, लोगों को इस्लाम एक्सेप्ट करने की तरफ इन्होंने प्रीच किया दे गिव देम द लेसन ऑफ इक्वालिटी एंड ट्रीटेड वेरी नाइसली टू द लो कास्ट पीपल जो ज़ात पात का निज़ाम था वो ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इन्होंने तहरीक शुरू की uh, सूफिया किराम प्लेड अ वाइटल रोल फॉर द प्रोमोशन ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट दे कन्वर्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट

वो ऑलरेडी अपनी जो उनकी कमज़ोर रवायात थी उनके जो कमज़ोर कल्चर्स थे जिसमें तकरीबन वो भी एक तरह का जिन जहाँ पे इस्लाम पहुँचा ही नहीं था वहाँ के लोगों के लिए तो वो ज़माने जहलियत ही था ना तो वहाँ के लोगों में अभी वो बुरी रवायात ही चलती चली आ रही थी उनको सबसे पहले इन्होंने ख़त्म किया आ, उसके बाद आ, जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको भी रिगार्ड किया जाने लगा उनके जो Uh, उनके जो कल्चर्स थे उनमें से जो अच्छी चीज़ें थी उनको रिगार्ड किया जाने लगा और लोग इम्प्रेस होकर इस्लाम की तरफ़ आए द सूफिया क्राम ऑल्सो रोट बुक्स एंड परफॉर्म्ड द ड्यूटीज ऑफ टीचिंग पीपल बॉन्टी फ्राम दैम फोर पॉपुलर ऑर्डर ऑफ द सेंट्स हैव बीन रिमेनिंग इन फैशन इन सब कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट जो सूफिज़म uh, के फोर एक्चुअल जो ऑर्डर्स थे उन्होंने काम किया सबसे पहले चिश्ती ऑर्डर आता है चिश्तिया ऑर्डर जो था वो एक, एक चिश्तिया ऑर्डर का जो नेम है ये एक विलेज के नेम से आ, ये मंसूब है जिसका जो कि एक विलेज है चिश्ती इन ईरान और इसका एक्चुअली स्टार्ट वहाँ से हुआ था हजरत महीदुद्दीन चिश्ती अजमेरी रमत से इसका स्टार्ट हुआ महीदुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमत अजमेर के रहने वाले थे नियर द बॉर्डर ऑफ़ ईरान इन अफ़ग़ानिस्तान सो so, उनके नाम की वजह से इस इस ऑर्डर का नाम चिश्ती ऑर्डर पड़ गया हजरत मोहम्मदीन चिश्ती रहा वाज द पार्टन सेंट ऑफ दिस चेन और इस जो चिश्ती ऑर्डर था इनका जो मेन फोकस था वो सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ था और ये लोग वो थे जो अपने जो रूलर्स थे और जो तो पॉलिटिक्स वगैरह थी उससे बिल्कुल दूर रहते थे लेकिन जो हाकि में वक्त होता था जो वक्त का रूलर होता था वो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वो जानते थे कि लोग जो थे वो इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे लोग इनको बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करते थे तो अगर कोई रूलर ऑफ़ कोर्स इनके खिलाफ होता तो जो पूरे अवाम थे जो सारे लोग थे वो भी उसके खिलाफ हो जाते इसलिए रूलर्स भी इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे फरीदुद्दीन गंज शकर स्टूडेंट्स ये वो सूहे बुजुर्ग हैं जिनका मज़ार यहाँ साहिवाल में पाक पतन में है हज़रत बख्तियार का एंड दुर्रज़ामुद्दीन अलिया आर पॉपुलर इन अदर सेंट्स और ये सब किन के नाम हैं जो चिश्ती ऑर्डर के मोस्ट पॉपुलर सेंट्स हैं नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर आ जाता है सोहरवर्दी ऑर्डर जो कि शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने इसको स्टार्ट किया था और शहाबुद्दीन शहरवर्दी स्टार्ट द सरवर्दिया ऑर्डर ये सेकेंड ऑर्डर है हज़रत बाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रजील वॉज द एल्डेस्ट सेंट ऑफ दिस चेन इन सब कॉन्टीनेंट डर स्टूडेंट्स बहाद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहत का मज़ार यहाँ मुल्तान में है जिनके नाम से बाहुल्द्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी भी है वो इन्हीं के नाम से मनसूब है और ये इस ऑर्डर uh, uh, के एल्डेस्ट सेंट गुजरे हैं उसके बाद uh, इन्हीं के बहुत सारे जो मुरीदीन थे और इन्हीं के जो इनके जो सन और उनके आगे जो इनके एन सिसटर्स वो आ, उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और उनके मज़ारात भी मुल्तान में ही हैं इन्हीं की वजह से मुल्तान को आ, मजारों का शहर भी कहा जाता है या सूफिया का शहर भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सूफिया कराम पाए जाते हैं उनके मज़ारात पाए जाते हैं थर्ड ऑर्डर है नक्शबंदी ऑर्डर हजरत बार यजीद बस्तमी रस रहमत स्टार्टड दिस ऑर्डर हाउ एवर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला इंट्रोड्यूस्ड दिस कनेक्शन इन दिस सब कॉन्टीनेंट जो हज़रत बजीत बस्तानी रमत थे उनका uh, जो ताल्लुक़ था वो अरब से था और उसके बाद ये जो नक्शबंदी ऑर्डर है ये अरब से टर्की में गया और टर्की से ये किन के थ्रू uh, सब कॉन्टीनंट में आया हज़रत ख्वाजा बा के बिल् के उनकी वजह से वो इस 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 ऑर्डर को सब कॉन्टिनेंट में लेके आए फोर्थ ऑर्डर इज़ कादरिया सक्सेशन हज़रत अब्दुल जिलानी वॉज द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ दिस चेन हु वॉज़ रिजाइडिंग इन बगदाद और इससे कादरिया सक्सेशन जो था वो आ, उस वो कंटिन्यू हुआ डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन था इसके बाद आपके इसमें डिटेल्स आ जाएंगी हज़रत सैयद अली बिन उस्मान रह हजवे रहमत की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी और अदर जो सूफ़ी सेंट्स हैं उनकी आप डिटेल नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रॉम पेज नंबर सिक्सटी सिक्स और दिस वॉज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर दिस यूनिट आई होप यू अंडरस्टूड वट वी हैव लर्नड इट इज़ नाउ असाइन टू यू एज यू होमवर्क इट इज़ नॉट अ प्रॉपर होमवर्क नॉट फॉर राइटिंग और नॉट फॉर मेमोराइजिंग एट्सट्रा आप लोगों ने सूफिज्म के बारे में इंटरनेट से सर्च आउट करना है और देखें कि आपको इसके बारे में क्या मिलता है और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी डिटेल्स की तरफ़ जाएंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ टूडेज़ लेक्चर गुड लक डियर स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़